नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने जो है जनरल स्टडी एथिक्स 4 का पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर का अगला सवाल को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिंग भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी हूँ मैं चुकी, और ये सब चीज़ें जो है फील्ड में जब पोस्टिंग होती है तब आपको सब समझ में तो तब भी नहीं आया होता, आपका पाला पड़ता है और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आधी क्या 90% जो है टेन्योर निकलने के बाद भी लोगों को ये सब चीज़ों की गहराई समझ में नहीं आती, वो अपने रूटीन वर्क में ही बिजी रहते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपसे गलती होने की संभावना जो है कम हो जाएगी और फिर आप ये करप्शन और ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 2018 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम लोगों पे कई बार ये यूज हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है नौकरी में। रूल वूल तो पता नहीं रहता खासतौर से इस सब चीज़ों के से रिलेटेड जो है अपने डेली रूटीन के काम में के रूल कोई पल पढ़ते और पलटते और लागू करने में बीत जाता है समय, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस पेपर जो आया 2013 के बाद बड़ा अच्छा आया, इससे बड़ी सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी। तो आपका सामने ही क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ थोड़ा सा, फिर बताते हैं कि इसमें करना क्या है। ये कह रहा है कि अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपकी पहुंच महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तथा आने वाली बड़ी घोषणाओं जैसे सड़क निर्माण परियोजनाएं जनता के अधिकार क्षेत्र माने जाने से पहले हो जाती है। मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करता है और जिसके लिए खाका तैयार हो चुका, आउटलाइन नियोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा जो प्लानर है कि सरकारी भूमि अधिक से अधिक उपयोग में लाई जाए ताकि निजी भूमि का अधिग्रहण कम करना पड़े। निजी भूमि के मालिकों को कंपनसेशन भी सरकारी दर के हिसाब से तय कर दी गई और उसका निर्वनीकरण कम से कम इसका भी ध्यान रखा गया कि डिस्प्लेसमेंट। ऐसी आशा की परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र में आसपास की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आ जाएगी। ये बड़ा हिडन फैक्ट है कि जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट डिक्लियर होता है आसपास की विसिनिटी में जमीनों के रेट एकदम 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो जाता है, और ऐसे केस से मैं इस समय जूझ रहा हूँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। इसी भी संबंधित मंत्री जो है आपसे आग्रह किया कि उसका जो ड्राइंग ऑलरेडी बना हुआ है उसको चेंज कर दो और ऐसी तरीके से घुमा दो कि 20 एकड़ का उसका फार्म हाउस के पास से रोड निकले और उसकी रोड के वजह से जो है फार्म हाउस का दाम 3-4 गुना बढ़ जाए। मंत्री जी ने यह भी कहा कि वो अधिकारी को कहा कि अपनी पत्नी के नाम से प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखंड प्रचलित दरों पर जो कि नाम मात्र की है क्रय करने में वो सहायता करेंगे। देखिए ये प्रलोभन देखिए, मंत्री ने आपको विश्वास भी दिलाया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि पत्नी के नाम से खरीद रहे हैं, पत्नी का अपना अगर फंड है तो खरीद सकती है और पत्नी के नाम से आप खरीद रहे हैं उसका कोई फंड नहीं है तो आपको परमिशन लेके खरीदना चाहिए। मंत्री ने ऐसा मैंने विश्वास दिलाया, वो आपसे वादा भी करते हैं कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है तो इसकी पूर्ति भी सहायता करेंगे। देखिए कितना मतलब जो है प्रलोभन दबाव और ये सब लालच दिया जा रहा है जो कि टोटल सरासर गलत है। तो इस तरीके से जो करने से उनके ऊपर जो है उनका निजी लाभ होगा लेकिन सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, चूंकि एक्विजिशन जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा किसानों को, और इसमें बहुत सारे पेड़ भी कटेंगे, पूरे क्षेत्र का ग्रीन बेल्ट भी समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि सिचुएशन का सामना होने पर क्या करेंगे, मेरे साथ तो इस समय वही चल रहा है तो हम क्या करेंगे बताता हूँ मैं। विभिन्न प्रकार के कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट को जो है क्रिटिकली एग्जामिन करिए और एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आप क्या करेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया है। तो भैया इसमें बहुत बड़ी चीज़ इसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो इसने क्वेश्चन में दे दिया कि भैया कम से कम अधिग्रहण हो, एक पॉइंट तो ये है सरकार का 20 एकड़ फार्म हाउस उनका वहाँ पे है तो उससे जो है लिंक करने की बात कर रहे हैं जो कि ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन का मामला है। दबाव प्रलोभन दे रहे हैं कि मैं खरीदवाने में मदद करूँगा, ये भी गलत है। वित्तीय मदद लेना ये और बहुत बड़ी गलती है। तो ये सब चीज़ें जो है और इसके वजह से रिपरकशन क्या होगा कि अगर आपने ऐसा किया तो इसमें लैंड जो है किसानों का चला जाएगा ज़्यादा, दूसरा ग्रीन बेल्ट जो है उसमें आ जाएगा, तीसरा सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा। अब आप देखिए 3 चीज़ें ही अलग हो गई अगर आपने उनकी बात मानी तो, पहले तो मानना नहीं है, मानेंगे तो उसके वजह से सरकार पर ये प्रभाव पड़ रहा है। मानना क्यों नहीं है वो सुन लीजिए ढंग से, अगर आपने माना उनकी सुझाव को तो आपकी नौकरी तो गई और जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। पूछिए क्यों,
क्योंकि ये तो एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है कि सरकार को 100 रुपये के बजाय आप 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आपके वजह से इस प्रलोभन में फंसने की वजह से आपके ऊपर जो है ये लग जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए। दूसरा, आपने जो है उनकी उनसे जो है वित्तीय मदद ली, चाहे पत्नी के नाम से ही सही, तो ये हो जाएगा रिश्वत, ब्राइब में आ जाएगा। तीसरा, आपने रेशनल अप्रोच छोड़ करके उनके कहने पे आया, उनके लालच में आ गए, तो ये जो है आपका क्रिमिनल कंस्पायरेसी का मामला बन जाएगा, क्रिमिनल कंस्पायरेसी में आप फंस जाइएगा। उसके बाद आप 420 और चीटिंग और फ्रॉड ये सब धाराएं भी आ जाएगी। मतलब इस कहानी में एक समस्या नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याओं में आप उलझ जाएंगे, और इतने मुकदमे जब आपके ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि 20 साल तक की जो है सबको जोड़ के जेल की सजा हो गई, खत्म। तो आपको पहली बात तो ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो सिरे से नकार देना है। अब नकार के इसलिए देना है क्योंकि आप इन सब चीजें जो हमने बताया इससे आप बचे रहें, तो आप समझ गए कि भाई करना क्या है। आप देखिए कह रहे हैं कि हित कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक तरफ आप अफसर हैं, दूसरी तरफ आप पति हैं पत्नी के, तो पत्नी कहेगी कि नहीं भाई आप जो है हमारे लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि ड्यूटी पहले है और घर में पति का रोल अलग है, तो ड्यूटी जो डिफाइंड है उसके अनुपालन, उसके क्रियान्वयन के लिए आपकी जो दूसरी स्टेटस है, रोल है, वो गौण है और उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए वो रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हावी नहीं होता। दूसरा, जो पॉलिटिकल लीडर के साथ आपका जो मंत्री जी हैं उनके साथ उनकी बात न मानना का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, उनको नाराज हो जाना दीजिए, बहुत नाराज होंगे तो आपका ट्रांसफर कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है जूझना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको लगेगा कि भाई मैं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, ठीक ही तो था, उसका उधार पैसा था और हम उधार ले लेते, बाद में वापस कर देते। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके के वजह से उधार लेना, एक तो उधार लेना अपने आप में गलत है, उसका स्वरूप गलत है, और तीसरा उस उधार को लेकर के इन्वेस्ट करना ये महा गलत है, क्योंकि जब ये लागत बढ़ेगी इसके रिपरकशंस में, तो आप जो है चपेट लपेटे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आ जाइएगा आप। तो ये सब चीजें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जो है सामने आएगी, लेकिन आपको करना क्या है उसका जस्ट उल्टा, जो रूल कहता है वो रूल के हिसाब से करिए, जो उसमें रूल रेगुलेशन डिफाइन किया है जिस प्लानर ने, जिसने बना के भेजा है और जिसने अप्रूव किया है, आपका काम है उसको लागू करना, चुपचाप लागू कर दीजिए। अगर आपने ठीक से लागू नहीं किया तो आपको कोई माही दलाल बचा नहीं सकता, हम बता रहे हैं। ये जितने जो हमने प्रॉब्लम्स बताई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी, 420, चीटिंग, फ्रॉड, ये सब चीज़ें जो है आप आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और इसमें सजा है जो स्पेशल ट्रायल के हिसाब से वो आपको भुगतना ही है। तो इस टाइप के कोई भी एक्ट हो, कोई भी काम हो, तो आप कृपा करके एकदम मना कर दे, मंत्री जी के साथ रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है तो उनको होने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाएगी ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए बी रेडी ऑलवेज। तो ये इसका आंसर होगा, और आप एकदम जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप जो है काम करिए, अदरवाइज दुष्परिणाम के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।